एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद सहारनपुर के ब्लॉक पबारगा में स्थित निवादा गांव पड़ा। लगभग 4200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान सतवीर यादव हैं। लगभग 1300 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय में लगभग 290 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गाँव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगवाए गए हैं व विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 100 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 21 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में खडंजे, सीसी टाइल्स रोड, शमशान घाट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी बनवाए गए हैं। वहीं वर्तमान ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गाँव में सीसी टाइल्स रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की व प्रधानों के भत्तों को बढ़ाने की भी मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ जनपद सहारनपुर से सतवीर यादव, और हमारे गांव में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। दूसरी बार मैं अपनी पंचायत से चुना गया हूँ। हमारा गांव पूर्ण रूप से सैचुरेटेड सीसी कार्यों से है, पूरा सीसी कार्य है, और यहां पे ये गांव हमारा जनेश्वर मिश्र में भी चयनित रहा है। और राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत हमने अपने यहाँ पर शमशान घाट बनवाया और सोलर लाइटें और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो सब हमने अपने पूरे गांव में हैं। कंप्लीट से हमारा जो है प्राथमिक और जो जूनियर स्कूल है वहां बहुत अच्छा शिक्षण कार्य भी चलता है, और सब पूरा गांव खुशहाली के रूप में है आज के समय में। लेकिन एक दुर्भाग्य ये है कि आज ग्राम प्रधान को मानदेय के नाम पर 3500 रुपये मिलता है, जो गांव के सफाई कर्मचारी और मनरेगा के मजदूर से भी कम मिलता है। ग्राम प्रधान को अपनी समस्याओं को लेकर जिले पे जाना पड़ता है, उसके नाम पर कोई यात्रा भत्ता हमें नहीं मिल पाता, हमको फोन सुविधा कोई नहीं मिल पाती। 3500 रुपये में प्रधान जी अपना घर परिवार अपना यात्रा भत्ता कैसे चलाएं? ये एक समस्या है जो हर बार हर सरकार वादा करती है, लेकिन वो इस ओर कोई ध्यान नहीं देती। सिर्फ ध्यान देती है कि प्रधान भ्रष्टाचार है, प्रधान ये करते हैं, प्रधान के कार्यों में ये कमी है, ध्यान सिर्फ इस पे दिया जाता है। मैं सभी प्रधान साथियों, बहुत सारे हमारे प्रधान साथी गांव में रंजिशन की वजह से हत्या कर दी गई हैं। उनके हत्या का कारण सिर्फ गांव के पंचायत के चुनाव और गांव का प्रधानी का मसला रहता है। मैं ये भी मांग रखता हूँ कि ऐसी जगह प्रधान साथियों को लाइसेंस, शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए, और साथ ही साथ जो उनकी कार्य प्रणाली है उसमें भी सुधार होना चाहिए। अभी बहुत सारी जगह कह दिया गया है कि पंचायत घरों में डिजिटल इंडिया के नाम पे कि वहाँ पे लैपटॉप मिलेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी गई है। हमारे जनपद में आवास के नाम पर अभी तक शून्य टारगेट है, अभी तक कोई आवास किसी भी ब्लॉक में नहीं बन पाया है, और ना कोई अभी संख्या किसी भी ब्लॉक में दी गई है कि अभी तक कितने आवास बन पाएंगे कितने नहीं। तो हम ये भी मांग करते हैं कि जो हमारे आवास हैं, जैसे पहले पेंशनें चली आवास चले, वो इस तरीके का अभी कोई मामला सामने नजर नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, उनको शासन अपने संज्ञान में लाए और कहीं ना कहीं उनका हल करने का काम करें। किसी भी प्रधान साथी को जांच के नाम पर उसका उत्पीड़न कर लिया जाता है। आज के समय में चाहे मीडिया का हो माध्यम, चाहे कुछ गांव के कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जो एक परेशान करने के कारण एक RTI या उसका कोई माध्यम बना लेते हैं और फिर ब्लैकमेल करने का भी प्रधान साथियों को आज के समय में काम करते हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई चेंज होना चाहिए RTI के माध्यम से भी। भाई कहीं चाहे उसका एक फिक्स अमाउंट जमा करा के वो जांच हो, अगर प्रधान साथी ऐसे मामलों में गलत पाए जाते हैं तो उन पे कार्रवाई हो, अगर वो सही पाए जाते हैं तो RTI मांगने वाले पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। वे सरकार के काम में दखल देता है, प्रधान को परेशान करता है। तो यही सब कुछ मांगे हैं, मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि
एक प्रधान को एक अच्छी छवि और एक अच्छे सम्मान के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, उसके पीछे क्या कितनी समस्याएं रहती हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रधान साथी एक ऐसे होते हैं हमारे जो 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं, उनका कोई टाइम टेबल या कोई मस्ट्रोल नहीं बनता। सफाई कर्मचारी भी 7 घंटे या 5 घंटे ड्यूटी करता है और 20,000 का मानदेय या 15,000 का मानदेय पाता है। मनरेगा का मजदूर भी 2 या 3 घंटे काम करके 175 रुपये लेके चला जाता है। प्रधान साथी चाहे दिन हो रात हो कि हर समय जनता के बीच में रहता है, उनकी समस्याओं को लेकर थाने तहसील कोर्ट कचहरी में जाता है। तो उस सबको देखते हुए कहीं ना कहीं एक हमारा, देखो कहने में हम पंचायत के अध्यक्ष हैं लेकिन हमारा सचिव हमारे से ज़्यादा ही मान दे पाएगा और हमारे से ज़्यादा सुविधाएं लेगा। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जब 5 साल हम निस्वार्थ जनता की सेवा करते हैं तो हमारी भी स्थिति देखनी चाहिए। आज 3500 रुपये में कैसे परिवार चला पाएगा एक प्रधान साथी, उसको मोबाइल का खर्चा भी चाहिए, यात्रा भत्ता भी चाहिए और बहुत सारे खर्च होते हैं, सब लोग जानते हैं। तो किस तरीके से वो अपने आप को ईमानदार साबित करके एक परिवार को चलाए। अब मैं यही मांग रखता हूँ सरकार से कि हर बार एक जो है सिर्फ वादे वादे हो जाते हैं, चाहे कोई भी सरकार आती रहती है लेकिन कोई भी जमीन असर पे प्रधान की को सुधार करने में उनके बारे में सोचने का काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। हमारा नाम नवाब अली, इंचार्ज अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय निवादा। हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं श्री सतवीर सिंह यादव जी, उनका पूरे गांव के लिए और स्कूल के लिए बहुत अच्छा कार्य है। डे बाय डे दिन प्रतिदिन वो स्कूल को आकर देखते भी हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं और उनके अच्छे कार्य की वजह से ही ऊपर वाले ने उन्हें इस बार वो दोबारा इस प्रधान के पद पर निर्वाचित हुए थे। उनका कार्य सराहनीय है, गांव में कोई विवाद नहीं है और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। वो सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण वही अपने स्थान पर ही करते हैं। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं श्री सतवीर सिंह यादव जी, वो हमारे प्रधान संगठन जिला सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हैं और सभी प्रधानों का हर समस्या का समाधान और सहयोग करते हैं।